बहुत सरदर्द हो रहा है। हाँ, और वो दिव्या ने वो हल्दी वाला दूध लाने को कहा था, वो इस क्लास में वही है। और आपने नहीं बोला था, दिव्या दीदी खुद मुझे बोल के गई थी। हाँ, वही। हाँ, मैं देने जा रही। हाँ, जा। अरे एक मिनट, मैं हल्दी वाला दूध देती 2 मिनट में। अरे, दुनिया का अजूबा दिखाने वाली हूँ आपको, बस आप जाइएगा। मैं आ रही हूँ। क्या क्या बोल रही है बुआ जी, क्या हो गया इसको? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा बोल के गई है कि वो कुछ अजूबा दिखाने वाली है, लेकिन मेरी मानो तो ये खुद ही एक अजूबा है। बस बस बुआ जी, मेरी बुराई ना मेरी पीठ पीछे कर लीजिएगा। ले, सर चढ़ा रखा है इसे। कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, आप चाय पी। ये देखिए, तुम पिएगी? नहीं। ये देखिए, क्या ये किसका वॉलेट है? अरे, इसमें जिसकी फोटो है ना, उनकी शक्ल हूबहू पूर्वी दीदी से मिलती है। आप सही कह रही हैं, अजूबा ही है। नहीं, देखिए। क्या देखिए, किसका वॉलेट पकड़ा? विनोद, क्या कर रहे हो ये? घर में इतनी लाइट है, तब भी अपने फोन की लाइट यूज कर रहे हो? व्हाट इज दिस? हां सर, फोकस लगाकर ध्यान लगाकर ढूंढ रहा हूं। वॉलेट है, चिट्ठी थोड़ी है जो इधर-उधर चला जाएगा। और घर में तो दिखेगा ना सर, मेरा तो बीपी बढ़ गया है। तो वॉलेट मिल क्यों नहीं रहे सर? इस घर से ना एक भी चीज गायब नहीं हो सकती, क्योंकि ये घर मेरे हाथों में है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सर, सच कह रहा हूँ मैं, एक सुई भी ना हमसे छुप नहीं सकती है। अच्छा, तो मेरा वॉलेट क्यों छुपा हुआ है? सर, ऑफिस में छोड़ आएंगे आप। नहीं, मतलब हो सकता ऑफिस में छूट गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जब ऑफिस में था मेरा वॉलेट मेरे पास था, मैं वहाँ से निकला तब भी मेरे पास था, फिर मैं गाड़ी में बैठा और यहाँ आ गया। सर, गाड़ी में गिर गया होगा। याद आ गया? क्या? मेरा वॉलेट कहाँ है, याद आ गया। सर, फिर इतना हड़कम मचाने की क्या जरूरत थी, पहले बताना था ना। याद अभी आया ना। कहाँ है आपका वॉलेट? पूर्वी के पास। पूर्वी मैडम के पास? मैं जब गाड़ी में था, पूर्वी मेरे साथ थी, मैंने अपना वॉलेट डैशबोर्ड के ऊपर रखा था, फिर मैंने गाड़ी में रेस दी और शायद उस वक्त मेरा वॉलेट गिर के पूर्वी के बैग में घुस गया होगा, है ना? मेरा फोन दो, मैं उसको फोन करता हूँ। क्यों है प्राची, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे नहीं नहीं बुआ जी, घबराई हुई नहीं है, बस वो झटका लगा है, जैसे मुझे लगा था। झटका? हाँ, वो उस आदमी की फोटो देख ली ना, जिसकी शक्ल पूरी दीदी से मिलती है। अजीब बात है, सिग्नल नहीं आ रहा। सर, हमारे फोन में तो पूरा सिग्नल आ रहा है। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। नहीं ना, मैं पूर्वी के फोन की बात कर रहा था। पूर्वी, इधर आ जल्दी। हाँ माँ, इधर आ। क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या है? वॉलेट है, किसका है? ये आरवी का है। नहीं नहीं प्राची भाभी, ऐसे नहीं, वो चेहरा दिखाओ ना। नहीं, ये तो मैंने केके सर की कार में देखा था। अब माँ, ये केके सर का वॉलेट है। क्या? अरे हाँ, वो आज उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी, ऑटो ने बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो ये पक्का उन्हीं का होगा। तो उनका वॉलेट तेरे पास? इसका मतलब केके सर की शक्ल पूरी दीदी से मिलती है। क्या? हाँ। के सर की पिछली क्या बोलती रहती, ये देख क्या हुआ कि क्या? अरे, इस पे तो हल्दी गिरी हुई है। क्या? हाँ, मतलब कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा है। अरे हाँ, वो शायद दिव्या दीदी के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी ना, तो गलती से। क्या क्या करती रहती हो पिछली, क्या है ये, खराब कर दिया फोटो? नहीं, पर शक्ल मिलती है। चुप करो। अच्छा सुन, ये लौटा देना उन्हें, उन्हें बता देना तेरे पास है, वरना ढूंढते रहेंगे। हाँ, अभी बता दे फोन, उनका ही कॉल आ रहा है। बड़ी लंबी उम्र है, बात करो। हेलो। हाय पूर्वी, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं सर, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मुझे? क्यों? हाँ, वो आपका वॉलेट तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास है, पता नहीं कैसे आ गया। नहीं, एक्चुअली जब तुम गाड़ी में बैठी तो डैशबोर्ड पे मैंने अपना वॉलेट रखा था, तो गलती से तुम्हारे, तो वो मेरे बैग में गिर गया। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। नहीं नहीं, इट्स ओके, सॉरी मत बोलो, तुम्हारी गलती नहीं है। आई एम जस्ट ग्लैड कि मिल गया। हाँ, तो मैं एक काम करती हूँ, आपको देने आ जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे देने मत आओ। इन फैक्ट कल मैं तुम्हारी शादी में आ रहा हूँ, तो तुमसे खुद ही ले लूंगा। ओके,
हाँ ठीक है, वहाँ तो आपको आनी है, आपने प्रॉमिस किया है। ऑफ कोर्स। मुझे नहीं प्रॉमिस किया। हेलो सुनिए, सॉरी आपको शायद गुस्सा आ जाए पर आए भी तो ठीक है, आई डोंट केयर। ये क्या लापरवाही है, आपका वॉलेट है, इतने इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी को मिल गया ठीक है, किसी और के हाथ लग जाता तो गलत था ना ये, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना थोड़ा सा। देखिए डोंट माइंड। हेलो हेलो, फोन शायद कट गया। थैंक गॉड, कितने लग गए है वो, उनका वॉलेट भी मिल गया और आपकी डांट से भी बच गए। उठ भाई उठ, सुबह हो गई है, उठ। जागो मोहन प्यारे, अरे उठ, अरे भागो, अरे गुड मॉर्निंग हो गई है, उठ भाई, उठ जा। मॉर्निंग को नाइट में क्यों मिक्स कर रहा है? आर्मी जागते रहो, उठ 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 उठ, चल चल उठ। अरे उठाई हूँ यार, उठाई हूँ। बोलो तू उठा है? ऐसे उठता है? मतलब सारी रात सोया ही नहीं? हाय हाय, वो ऐसी कौन सी बेचैनी है मेरे पोते को? अब दादू आप तो समझो, जब लोगों को प्यार हो जाता है तो अक्सर उनकी रातों की नींद उड़ जाती है दादू। तो अब रात को नहीं सोएंगे तो फिर सुबह ही सोएंगे ना? ये तो सही बात है, है ना? मतलब लाइफ में पहली बार तू सही बोल रहा है, वरना तो आज तक बकवास करता आया। वो सब छोड़ो, अब ये बताओ बात में पॉइंट था ना? चुप कर, तू मेरा भी तो पोता है और मैं इनका दादा, आई मीन मैं भी इनका पोता हूँ। हम यहाँ पर पसीने बहा रहे हैं तुम्हें जगाने के लिए, उठाने के लिए, और तू हमारी चुगली कर रहा है, और वो भी अपनी माँ से। भाई इतना छोटा हो गया तू, इतना छोटा, और तेरी शादी आज, उठ चल बस कर, बच्चों की तरह छोड़ मेरे बच्चे को, क्यों तंग कर रहे हो तुम दोनों ऐसे? चल बेटा जल्दी से उठ जा, कपड़े भी आ गए, डिजाइनर देख के आओ, जल्दी तैयार हो जा। चल मामा, हम वो वहीं वेन्यू पे रेडी होते हैं ना। और की हाँ ठीक है, वेन्यू पे ही रेडी हो रहे, लेकिन फिटिंग तो ट्राई करने दो ना। चल फिटिंग ट्राई कर ले बच्चा, लेट हो रहा है, वहाँ पे जल्दी पहुँच रहे हैं ना टाइम पे। और की बस करो, आप लोग और के क्या लगा रखा है, लेट हो रहा है, जल्दी उठना बच्चा। ओके ओके बड़ी माँ, एक बात बता दो एक सेकंड, अगर कपड़ों की फिटिंग बराबर नहीं आई तो फिर क्या करेंगे? और की हाँ, कपड़ों की फिटिंग बराबर नहीं आई तो क्या करेंगे ना? टाइम तो है नहीं अपने पास, तो टाइट हो या लूज ऐसे ही पहनना पड़ेगा उसे। तो मतलब लूज कपड़े पहनेगा? लेकिन हरलीन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये पहनना ही है तो अभी पहन के ये टाइम क्यों खराब करें? हरली नहीं, मेरा मतलब ये एक सवाल है छोटा सा बच्चे का। ये जो आपका छोटा सा बच्चा है ना, ये बहुत स्टूपिड सवाल करता है बाबूजी, इसलिए मुझे स्टूपिड आंसर देना पड़ा। ऑब्वियस है बाबूजी, अगर लूज है तो टाइट करना पड़ेगा और टाइट है तो लूज करना पड़ेगा। दूल्हा है, अच्छे फिटिंग कपड़ों में ही जाएगा ना। चलो अभी बस हो गया ये सब कुछ, आप चलो जल्दी तैयार हो जाओ, प्राची भी तो यही कर रही होगी वहाँ। बुआ जी, बुआ जी ये आपके लिए, ये रंग ना आप पे बहुत प्यारा लगेगा, आप बहुत सुंदर लगोगे। प्राची सुन, एक मिनट मुझे कुछ बात करनी थी तेरे साथ। बोलिए ना। इधर बैग। क्या हुआ? बैग तो देख, हम दोनों के बीच कई बार कहा सुनी हुई है, अब मैंने ही ज्यादा सुनाया है तुझे, झगड़े भी किए हैं, लेकिन मेरे साथ क्या है तू जानती है ना, कोई बात सही लगी तो बस वो सही है, फिर झगड़ना पड़ता है उसके लिए। कई बार झगड़े गलतफहमी की वजह से भी हुए हैं। एक मिनट, एक बीच में ना बोल, पूरी गल सुन। कई बार ऐसे झगड़े हुए है ना, मतलब होता है जी। लेकिन आज ना मैं कोई बात तेरे से शेयर करना चाहती हूँ, दिल से, पक्का दिल से। बोलो। बोलिए प्लीज। बड़ी खुश हूँ आज, कसम से। उस दिन से तो बहुत खुश हूँ, जिस दिन हमारे पूर्वी का संगीत होने जा रहा था, उसकी शादी होने जा रही थी उस चश्मुद्दीन नालायक आशुतोष से, हैं जी? बार बार दिल में लग रहा था कि वो नालायक आशुतोष ना बिल्कुल हमारी पूर्वी के लायक नहीं। तुझे भी लग रहा होगा ना?
जी बुआ जी, पर मैं चुप इसलिए रही, कभी हालात देख के, कभी पूर्वी की शक्ल देख के मुझे लग रहा था वो खुश है, तो उसके लिए तो हम कुछ भी करते हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा हुआ लेकिन वो रिश्ता टूट गया, अच्छा हुआ। अरे जो हमारी, छोड़ो, जो हमारी पूर्वी की इज्जत नहीं करता उसे हम अपनी लड़की देंगे, मिट्टी पाओ। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कसम से, आज तेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे लड़के से होने जा रही है, बहुत खुश हूँ। तू भी खुश होगी ना, होगी ना जी? और मैं खुश हूँ तेरे लिए कि अब तेरी लड़की बड़े कार में जाने वाली है, वहाँ राज करने वाली है। मैं बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि पूर्वी खुश है। सच में बुआ जी, मुझे खुशी और पूर्वी की खुशियों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ वो दोनों खुश रहे बस। मैं भी रब से यही प्रार्थना करती हूँ रोज के रोज, सच्ची। आपकी प्रार्थना की वजह से आज दोनों खुश हैं। थैंक यू। जी बुआ जी, आपको पता है आप जो कुछ भी करती है ना स्पेशली खुशी के लिए, मुझे पता है उसके लिए मैं हमेशा आपको थैंक यू बोलूँगी, जितना भी बोलूँ ना कम है। जैसे आपने कहा, आई नो हमारे विचार नहीं मिलते कभी कभी, पर मुझे पता है ना आप खुशी से कितना प्यार करती, इसलिए तो कह रही हूँ थैंक यू। बस बस, अब रुला देगी क्या? तू जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर दूँ, तू जा यहाँ से। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं माँ हूँ उसकी, पर वो आपके बहुत क्लोज है, बहुत करीब है, आपसे सब कुछ शेयर करती है, आपको तो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप भी उसे अपना मानते हो, उसे सच्चा प्यार करते हो, इसीलिए मुझे ना डर नहीं लगता, मुझे फिक्र नहीं होती उसकी की खुशी क्या करेगी, कैसे करेगी, मुझे पता है आप उसके साथ हो और हमेशा हो, इसीलिए थैंक यू। बस 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 कर, हाँ? अब रुलाएगी मुझे? हाँ? इस उम्र में बच्चों के आंसू पोंछूं कि बैठ के खुद ही टसुए बहाते रहूं? हाँ? बस कर। मुझे सच्ची में ऐसा लगता है, बार बार लगता है कि माता रानी तेरे दोनों बेटियों को हमेशा खुश रखे, हमेशा वो अच्छे से रहे। भाई वो दोनों अच्छे से रहेगी तभी तो हम सब अच्छे से रहेंगे। हाँ? अब जा तू। हाँ? तू यहाँ बैठी रहेगी, मैं बड़बड़ करती ही रहूंगी। काम नहीं है तुझे शादी का दिन? बहुत सारे काम है, माता रानी के मंदिर जाना है, कुलदेवी के, और सुनिए अब बहुत प्यार हो। देखो तो मेरा फेवरेट कलर ही ले आई, सब पसंद है इसे। मेरा पसंदीदा कलर कौन सा है, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, मुझे गुस्सा किस बात पे आता है, सब पता है इसे। बड़ी बुआ, ओए खुशी पुत्र, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। थैंक यू, पर भारी लोगों का मेला क्यों लगा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, मैं लेट हो गई हूँ क्या? अरे लेट कैसी बातें कर रही है तू? हाँ शादी रात की है, दिन की नहीं है। अच्छा बड़ी बुआ, मुझे ना माँ से कुछ बात करनी थी। अब भी तो यहाँ थी वो, तेरे ही बारे में बात कर रहे थे हम, अभी गई है यहाँ से। मेरे ख्याल से कुलदेवी की पूजा के लिए निकल गए होंगे वो लोग। की होया, तू परेशान सी लग रही है? हाँ क्या बात है, क्या बात करनी है प्राची से? बड़ी बुआ वो अरमान के शादी को लेकर कुछ और ही ओपिनियन से। ना पुत्र ना, ये क्या कह रही है तू? अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ कहने से भी क्या होगा, शादी आज रात को है। देख ऐसी टिप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूर्वी तेरी तो किस्मत खुल गई है ना मम्मा, तो अच्छा लग रहा है। तो बड़ी पार्टियों में जाएगी, सजेगी धजेगी, अब तो तुझे आदत डालनी पड़ेगी। मैं तो सुंदर लग रही हूँ ना, ऐसा तो लग रहा ना कि अमीर फंक्शन में आई हूँ। दिव्या तू भी ना, आदत डालनी पड़ेगी ना आपको। आ गए आप लोग? हाँ आ गए, लेकिन आने से फायदा क्या? हाँ तुम लोगों ने सब कुछ पहले ही कर दिया है। नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम बस देख रहे थे कि सब ठीक है या नहीं, ये सब ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसे मानना पड़ेगा, आरवी के परिवार वालों ने कितना अच्छा इंतजाम किया है ना, उनके परिवार में सभी अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पैसे का घमंड नहीं है, कभी भी कुछ नहीं जताया इन्होंने और एक रुपए का मांग नहीं की इन्होंने। और एक वो आशुतोष और उसका परिवार था, बिना कुछ किए हमसे मांग भी रहे थे और जता भी रहे थे। क्यों याद दिला रहे शोकी? सब कुछ हमारी पूर्वी के भाग है जो उसे मिल रहे हैं। और हमारे भी तो, मेरा मतलब है
हमारी बेटी खुश रहेगी तभी तो हम लोग खुश रहेंगे। और वैसे भी घर वाले तो ऐसे सपने देखते हैं ना, खास करके माँ, कि उसकी बेटी को ऐसा ही परिवार मिले, कोई चाहे ना चाहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी दिया का परिवार बहुत अच्छा मिले एकदम। अरे दिव्या तो चिंता ना कर, तेरी दिया को भी ऐसा ही लड़का मिलेगा। पहले तो खुशी दिलवाती जी, लेकिन अब तो पूर्वी भी बड़े घर में जा रही है ब्याह के, और पूर्वी भी दिलवाएगी तेरी दिया को बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के। बिल्कुल बिल्कुल, और दिया के भाग में होगा तो हो सकता है इससे भी अच्छा घर बार मिल जाए उसको। अच्छा सुन, तू अभी तैयार हो जाना, टाइम नहीं है, बारात आती होगी, बिजली से ले जाना ऊपर रूम में। बारात आ ही होगी। वैसे भी वो लोग कह रहे थे ना कि शादी भले जल्दबाजी में हो रही पर जितने भी रीति रिवाज है वो अच्छे से होंगे। वैसे आरवी के परिवार वाले अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए? नमस्ते 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 नमस्ते। चल विक्रांत। नमस्ते। अरे बस बस मित्र, बस बस, वो तो मेरे गले लग। खुश रहे, जिंदा रहे। Where's the starlet of the day? I mean, मेरी होने वाली देवरानी कहाँ है? अभी भी यही थी, हमने ही भेजा तैयार होने के लिए। अच्छा किया, वैसे भी टाइम बहुत कम है। आरवी पुत्र, चल तू भी जल्दी जाकर रेडी हो जा। जल्दी तैयार हो जाना बेटा, बिकॉज आधे घंटे में ढोल वाले भी आ जाएंगे और हमें फिर से अंदर भी तो आना है, बारात लेने जो आए हैं। बड़े पापा बारात, are you serious? Of course बारात, अरे घोड़ा घोड़ी ना सही, हम लोग तो है, हमारे बेटे की शादी है, धूम धाम से आएंगे बारात लेकर। हाँ, और उसके तुरंत बाद रस्में शुरू हो जाएंगी, इसलिए जल्दी से तैयार होना बच्चे। ओके हाँ माँ, मैं जल्दी रेडी हो जाता हूँ। मुझे क्या करना है, चेंज ही तो करना है बस। टाइम तो दुल्हन को लगता है, दूल्हा तो यूं तैयार हो जाएगा। सही, दुल्हन के तो हजार नखरे होते हैं, मेकअप चेकअप फेयर शेयर गहने शेने जी। हाँ जी, दुल्हन को तो टाइम लगता ही है। ओए तूने कौन सा 16 सिंगार करने आ रही, जा ना। बाय बाय, रुक रुक, मैं भी उधर से रुक। अच्छे से तैयार हो। अरे लेकिन वो पंडित जी का क्या, वो कहाँ है? होना है तो उनका आते ही होंगे। टंडन साहब, आप पंडित जी की टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा शादी, मैं भी किसी पंडित से कम नहीं हूँ। अच्छा जी, तो आप शादियाँ भी करवाओगे? मंत्र संतर आते हैं क्या आपको? जी मंत्र संतर आने में क्या है, मोबाइल है ना, और वैसे भी इस उम्र तक आते आते इतनी बर्बादियाँ, मेरा मतलब है इतनी शादियाँ देख चुका हूँ कि मंत्रों की नॉलेज तो मुझे हो ही गई है, और अगर भूल भी गया तो मोबाइल है ना। वैसे मैंने सुना है आजकल ये पूजा शूजा यज्ञ वगैरह शादी ये सब ऑनलाइन होने लगी है, तो हम भी पंडित जी से ऑनलाइन शादी करवा देंगे। वो एक ऐप चला ना, कुगी ऐप। थैंक गॉड हमारे यहाँ पंडित जी आ रहे, ये तो बाऊची ने तो पूरा प्लान बना लिया था ऑनलाइन शादी करने का। अरे रिलैक्स रिलैक्स, देखिए जी, आरवी के बाप की शादी भी ऑनलाइन नहीं हुई थी, और आरवी के बाप की शादी भी ऑनलाइन नहीं हुई थी, तो नो गुग्गी शुग्गी है बाऊजी। लेकिन उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती है, इसलिए चले टाइम बहुत कम है, चलिए सब तैयारी कर लेते हैं। अच्छा भाई, भाई उठो भाई, भाई बहुत बड़ी खबर देनी है, आज के दिन ही पीनी थी इनको। भाई भाई उठो भाई, अरे क्या करूं क्या करूं। हाँ पानी भाई, पानी डालूंगा तो ये तो उठ जाएंगे, लेकिन मुझे उठा देंगे वैसा के लिए। भाई उठो भाई, भाई बहुत जरूरी बात है भाई, सच्ची भाई उठो ना भाई प्लीज, भाई बहुत जरूरी बात है भाई। नहीं उठेंगे, कितनी बड़ी बात बतानी थी। मत करो ना बाबा, बहुत शादी हो गई हमारी, तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, मैं तुम्हारा क्या पति बन चुका। तुमने कल शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे क्या है। पूर्वी मुझे उठा रही थी, पूरी को भेजना। नहीं भाई मैं उठा रहा था। तू किस एंगल से पूर्वी लग रहा है तू भाई? मैं टाइगर हूँ भाई, आपके लिए ये लाया हूँ, ये पीजिए।
मुझे चाय पीने पूरे को बोले चाय लेकर आया भाई भाई तू यार डिस्टर्ब मत किया करना मेरे को यार देख मेरी शादी हो चुकी है तेरे को समझ में आना चाहिए अब ठीक है तू गेट आउट और अब से ना नॉक करके आया कर मैंने उसके लिए सेंसर गेट आउट भाई यार शादी हो रही पूर्वी की क्या कर रहा है तू यहाँ पर क्या दिमाग खराब कर मेरा यार क्या कर रहा है वो 18 साल क्यों मैंने बोला तुझे जी नहीं जसी ने बोला चल निकल बाहर पर दो बार नहीं बोलता मैं चल निकल बाहर मेरे से चाय लेके आओ ना